मुखर्जी फ्रॉम लेब सोर्स और मेरे साथ है पार्थिव गोगोई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के। तो पार्थिव, वेलकम टू द शो। और पहले पिछले सीजन आपका बहुत अच्छा गया है और इस साल ऐसे शुरू होने वाला है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है पर्सनली और एज अ टीम? एक्सपेक्टेशन तो अभी एक स्टेप हो गया है, एक स्टेप डूरन कप था, अभी वो डूरन कप फास्ट हो गया है, अभी सेकेंड स्टेप है ISL का शील्ड और ट्रॉफी ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम लोग अभी छोटे छोटे डिटेल्स पे काम कर रहे हैं, जो लोग हम लोग का मिस्टेक्स किया हमने डूरन कप पे वो मिस्टेक्स ताकि ना हुए। तो काफ़ी पॉजिटिव है हम लोग कि शील्ड और ट्रॉफी जीतने बोल के, और जो हम लोग का नोटिस था वो लोग को काफ़ी मतलब अंडर एस्टिमेट करते थे पहले, अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी एक टोटली डिफरेंट नोटिस देखने को मिलेगा आप लोग, और आई एम होपिंग फॉर अ गुड सीजन। ओके। और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे डूरन कप के फाइनल में हम लोग देखे, हम लोग फील्ड में थे मोहन बगान के खिलाफ, बहुत अच्छा टीम के खिलाफ आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपका पूरा टीम। तो अभी काफ फॉर्मेट और लीग तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, तो आप लोग कितना कॉन्फिडेंट है कि लीग फॉर्मेट में भी आप ईस्ट बंगाल मोहन बगान जैसे बड़ी टीम के खिलाफ अच्छे परफॉर्म कर सकते? अभी हम लोग जितना पॉजिटिव रह सकते हैं वो रहने के लिए ट्राई करेंगे, और जितना टीम में पॉजिटिविटी रहेगा उतना ही हम लोग पॉजिटिविटी आप लोगों को फील्ड में भी दिखाई देगा। तो हम लोग वही ट्राई करेंगे कि हम लोग जितना भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, तो वही अप्स एंड डाउन्स में हम लोग एक टीम की तरह रहना चाहेंगे और ऊपर से फैमिली की तरह, और आप लोगों को जरूर एक दिखने को मिलेगा, अभी कुछ मतलब डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। ओके वही बात है। अच्छा मैं बोलूंगा, पिछले दिन नया एरा शुरू हुआ टीम इंडिया का फुटो मैनेलो मार्कोस के अंडर, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि हम लोग जीतना चाहते हो खुद को नेशनल टीम, नेशनल टीम में ऑब्वियसली खुद को जितना जल्दी हो सके देखना चाहता हूँ ऑब्वियसली, और मानुलो कोच के लिए भी है कि उनको थोड़ा टाइम दीजिए, अभी नया कोच है, नया सेटअप होएगा, नया ऑब्वियसली सिस्टम रहेगा, ऑब्वियसली आई एम श्योर दैट ही विल डू ग्रेट फॉर आवर नेशन, और काफी पॉजिटिविटी है। और पिछले बार जब आपको मौका मिला था नेशनल टीम में ईगोस्ट मैच के टाइम पे, जब तब हम लोग देखे थे कि सुनील छेत्री के साथ हम तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे, तो उस समय सुनील छेत्री ने आपको कुछ टिप्स दिया कैसे कुछ करना है या कुछ इम्प्रूवमेंट? काफी कुछ दिया है, ऑन एंड ऑफ द पिच कैसे रहना है, क्या रहना है, और उसके लिए मतलब जो एडवाइसेस दिए उन्होंने, तो उनके लिए मतलब काफी ग्रेटफुल रहूंगा, और मतलब रेस्ट ऑफ माय लाइफ।